हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। फिर आज हम लोग कैपजेमिनी को लेकर जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे, सर मेरे पास पेंडिंग आ रहा है, मेरे पास अभी तक कुछ भी मेल नहीं आया, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं विद प्रूफ के साथ। मैं आपको मैं मेल का स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके माइंड में इसके बाद कोई डाउट रहता है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर आपको मेरे इसके कुछ पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट को लेकर मेल का, उसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन देने वाले। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर ये आपका लॉगिन कैपजेमिनी का फाइनल असेसमेंट लॉगिन क्रेडेंशियल फिर देखेंगे। तो ये आप फिर अगर आप लोग अप्लाई जैसे करते हो तो आपको इस सामने इस तरह का मेल आता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो कैपजेमिनी अभी भी आप लोगों को सेंड कर रही है, तो आप लोग अभी बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो फिर हम आपको मैं चीज़ दिखा देता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो फिर देखेंगे तो ये आपका जो मेल है फ्रेंड कहाँ गया, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ पहले। हाँ देखो, कैपजेमिनी अभी भी सेंड कर रही है। देखो, ग्रीटिंग फ्रॉम कैपजेमिनी, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन परसुइंग अ जॉब विद अपॉर्चुनिटी कैपजेमिनी। फिर नीचे जब आएंगे, नीचे आएंगे तो ये देखो फ्रेंड, वर्चुअली फॉर इंजीनियरिंग एमसीए 2020 बैच, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग एमसीए बैच 2020 बैच के लिए है, 2021 को भी आ रहे हैं, पुल्ड का स्टेटस लिख के, और 2019 को भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल मत डरिएगा, तीनों को भी ऐसा आप लोग को तीनों बैच, जो 2019, 2020 एंड 2021 बैच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सभी को कैपजेमिनी की तरफ से अभी भी स्टिल दे आर सेंडिंग लाइक असेसमेंट मेल। देखिए फ्रेंड, आपका द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस विद कैपजेमिनी वुड बी क्लियर एन ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट विच इज शेड्यूल्ड फॉर यू ऑन 2020 जुलाई फाइव को होने वाला है, ठीक है। तो आपको असेसमेंट का लिंक आएगा, ठीक है। तो आपको असेसमेंट का लिंक इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे आप लोग मैं आपको दिखाया था असेसमेंट का लिंक, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इस तरह आपको लिंक मेल देखने को आएगा कैपजेमिनी फाइनल असेसमेंट टेस्ट लॉगिन क्रेडेंशियल। फ्रेंड पता होगा कि कैपजेमिनी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको लॉगिन करना, क्या प्रिपरेशन करना है। बस आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर या फिर यूट्यूब में आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरे वीडियोज़ वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह मेल आएगा कि आपका फाइनल असेसमेंट का की वगैरह ऐसा है, ठीक है। इससे आपका पासवर्ड रहेगा, लिखा रहेगा, एग्जाम डेट लिखा रहेगा कि जुलाई 5 का आपका एग्जाम है 12:30 PM से। क्या इस सबका सेम होता है, बस आपका सुपर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल लॉगिन वगैरह करना है, ठीक है। और हम लोग आगे बात करते हैं फ्रेंड, आपको देखिए फ्रेंड, इस तरह का आप लोग को बहुत लोग भी थे जो इनका 25 जून को ये हुआ था, ठीक है। तो आप लोग में बहुत बोल सकते हैं मेरे पास मेल तो आ गया, बट मेरे पास अभी तक कुछ भी क्रेडेंशियल का मेल नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, सभी के सभी जिनको भी इस तरह का मेल देखने को आया है, सभी को 48 आवर्स के अंदर में फाइनल असेसमेंट का लिंक आ जाता है। अगर आप नहीं आता, आप लोग वेट कीजिएगा, मे भी थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन ये मेल आने के बाद आपको एग्जाम का लिंक आपको आ जाएगा, ये 100% श्योर रहिएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डरिएगा मत, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग में बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर मैंने फर्स्ट बस मुझे एक सिलेक्शन का मेल आया था, उसके बाद मुझे कुछ भी अपडेट नहीं आया। तो मैं बता दूं, यस अभी भी दे आर स्टिल सेंडिंग फ्रेंड, ठीक है। फिर देखेंगे तो अब मई में आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो आपका 1 जून को बताया गया था कि आपका जो है हायरिंग जो है 1 जून से चालू हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 7 जून को इनका आया था, तो 7 जून को आया था, और अभी मतलब कि आज आपका हो गया 3 जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट आपके 25 से 26 दिन के बाद जो है आपको जो है इंटरव्यू का मेल बोल दो या फिर सिलेक्शन का मेल बोल दो, इतना डिले हो रहा है। लेकिन हाँ, कैपजेमिनी का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, बट दे आर स्टिल सेंडिंग, ओके, डोंट वरी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैपजेमिनी नेटवर्क एलिजिबल कैंडिडेट्स। फिर इस तरह का मेल बहुत लोगों को देखने को आ रहा है। मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, देखो ये सा मेल बहुत लोग को आ रहा है, आप बोल रहा है कि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। अगर मेल आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द मेल आईडी, अगर @capgemini.com है देन इट्स अ जेन्युइन है, ठीक है। अगर जेन्युइन है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद भी अगर आपसे कुछ लोग पैसे वगैरह मांगते हैं, तो नो नीड टू पे एनीथिंग टू एनीवन, ओके। कहीं भी आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर इस सब मेल आपको लिखा था, ठीक है ना, वेलकम टू कैपजेमिनी नेटवर्क असेसमेंट एलिजिबल ग्रुप, दिस ग्रुप इज फॉर्म टू इनिशिएट यू टू दैट ऑल यू हैव बीन एलिजिबल फॉर नेटवर्क असेसमेंट, प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, किसी किसी में टेलीग्राम ग्रुप भी होता है, ये अगर फ्रॉड है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, बस आपको ईमेल आईडी चेक करना होगा @capgemini.com है कि नहीं है। कांग्रेट यू आर फाइनल असेसमेंट शेड्यूल ऑन टुमारो, असेसमेंट डिटेल्स विल बी शेयर्ड यू शॉर्टली, मैंडेटरी टू फिल द बिलो फॉर्म फॉर टुमारो असेसमेंट, काइंडली लॉगिन, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा मेल आईडी को फर्स्ट ऑफ ऑल मेल आईडी को चेक करना है, उसके बाद आपको कुछ फर्दर एक्शन लेना है, ठीक है। तो फिर इस तरह का देखेंगे, फिर आपका इस तरह का मेल भी आपको देखने को आएगा, ठीक है, कि आपका 5 जुलाई को वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह मेल आपको आएगा। और यहाँ पर फिर आपको लोग का बहुत लोग का ऐसा है कि ज्वाइनिंग जो है पोस्टपोन हो रहा है, ज्वाइनिंग पोस्टपोन क्यों हो रहा है, देखो फ्रेंड, आप लोग को कभी भी अगर फॉर्म वगैरह कहीं से भी आता है सर्वे फॉर्म के लिए, तो आप लोग अपने फाइनल सेमेस्टर को देख के फॉर्म भरिए। अगर आप लोग फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, देन दे आर नॉट गोइंग टू भी लाइक आपका ऑनबोर्डिंग जल्दी नहीं होने वाला, इसलिए आपको ध्यान में रखना कि जब भी आप लोग अपना ऑनबोर्डिंग का टाइप अपना फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम का एंड डेट दे रहे हो, ट्राई करना कॉलेज से बात करके देना, तो फिर आपका पोस्टपोन होता रहेगा। तो ये गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बहुत लोगों का पोस्टपोन हुआ है, लेकिन पोस्टपोन मत करो,
देखो अगर आपको सर्वे मेल आता है कि आप प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म अस व्हेन योर फाइनल सेमेस्टर विल बी एंड, तो आप लोग ध्यान से उसको फिलअप कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑनबोर्डिंग पहले करना है, नहीं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पता है क्या होगा इसे, अगर आप लोग मान लो कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है जुलाई में ख़त्म होगा 31 जुलाई, लेकिन आपने ऑनबोर्डिंग जल्दी करने के लिए आपने डाल दिया है 15 जुलाई, तो ये आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे मांग सकते हैं कि प्लीज़ काइंडली शेयर मी योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो आप कहाँ से डालोगे, या फिर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट आप कहाँ से डालोगे। इसलिए एग्ज़ाम का रिजल्ट का डेट आप लोग डालिएगा, मे भी आपका लेट हो लेकिन चलेगा, अगर पोस्टपोन होता है ना तो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। ऐसे डिले हुआ नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप लोग पहले डेट डाल दे रहे हो फिर पोस्टपोन हो जा रहा है आपका, आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट वेरीफाई डॉक्यूमेंट की वजह से, तो आप लोग को ये आप लोग को बाद में फिर प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ में ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो फिर मैंने बता ही दिया यहाँ पर मैंने इसको लेकर बता दिया, इसको लेकर बता दिया, आप बात रहा क्या चीज़ का लेके, और मैंने बता दिया फिर आपका ये तीनों बैच के लिए एलिजिबल है। न्यू कैबिनेट असेसमेंट डेट आपका 5th ऑफ जुलाई है, इसके बाद मे भी आपको 10th या फिर 9 जुलाई, फिर 15th और 16 जुलाई को देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम का। कैबिनेट नेटवर्क एलिजिबल कैंडिडेट मैंने एप्लीकेशन बता दिया आपको, वन रिजल्ट विल बी आउट एंड व्हाट प्रोसेस, अगर आप सिलेक्शन होते हो तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर में ही आपको LOI का मेल आ जाएगा और आपका स्टेटस जो है ऑफर्ड शो हो जाएगा। बहुत तो बोल रहे थे मैं पर ऑफर्ड शो हो रहा है लेकिन बस अभी तक कुछ भी मेल नहीं आया, तो डोंट वरी दे आर स्टिल सेंडिंग LOI मेल। ओके, आप लोग बस वेट करना है, आपको कहीं से कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको वीडियो में कमेंट करने का जरूरत नहीं, बस आप लोग को वेट करना है। क्या जो मैंने ज्वाइनिंग प्रोसेस मैंने बता दी फ्रेंड, होप करते वीडियो को इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो, प्लीज फ्रेंड आप लोग वीडियो को पूरा इन तक देखने के बाद आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मैं थोड़ा स्पीड हो रहा हूँ तो ट्राई करना वीडियो को स्लो करने का। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।